अल्ट्रासोनिक ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन सिस्टम है उसका कम्प्लीटली ये जो ब्रेन है। फिर अभी आप देख सकते हो टैक्सी जा रही है, ये ऑन हो गया, ये ऑफ हो गया। हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस आज का ये जो वीडियो हमारी पोलो के ऊपर रहने वाला है और पोलो में आज हम लोग इंस्टॉल करने वाले अल्ट्रासोनिक ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन सिस्टम। ये नाम तो गाइस काफी बड़ा है पर आपको अच्छी तरीके से समझा दूंगा कि ये एक्चुअली सिस्टम क्या होता है। तो गाइस आज जो हम लोग एक सेफ्टी फीचर इंस्टॉल करने वाले हैं हमारी पोलो में। ऐसे तो सेफ्टी फीचर काफी दिए गए पोलो में, ऐसा कुछ मतलब सेफ्टी फीचर की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। अगर हम लोग हाईलैंड मॉडल्स के बारे में बात करें तो उसमें एयरबैग सारी चीज हम लोग को मिल जाते हैं, बट एक जो सिस्टम है जो कि ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन सिस्टम है वो गाइस वो हर एक में आना चाहिए मेरे हिसाब से। पर आजकल क्या हो रहा है कि जो टॉप एंड गाड़ी है, जो महंगी महंगी गाड़ी है, उसमें ही हम लोग को फीचर देखने मिलता है। तो हम लोग ये इकोनॉमिकल कार में एक फीचर कैसे इंस्टॉल करने वाले वो आज मैं आपको एक वीडियो में बताने वाला हूँ। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो ये हमारी वॉक्सवैगन पोलो 1.2। अभी तक हम लोग ने कुछ ज्यादा मॉडिफिकेशन इसमें नहीं किया, प्रीवियस जो मॉडिफिकेशन थे वो सारे इंस्टॉल कर दिए हम लोग ने। पीछे से अगर मैं आपको बता दूं तो पीछे हम लोगों को कुछ रिवर्सिंग कैमरा या कुछ भी नहीं मिल जाता। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे एक सेंसर है, यहाँ पे एक सेंसर है, यहाँ पे और यहाँ पे, तो चार सेंसर जो है कंपनी के साथ ही आए थे वही इसमें जो है लगा के रखे हुए। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारे मिरर्स है, यहाँ के मिरर्स और वहाँ के मिरर्स। तो मिरर में जो है गाइज एक सर्टन अमाउंट ऑफ चीज ही हम लोग को दिखने मिलती है। तो गाइज मिरर में अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये इतने साइड का पार्ट ही मैं देख पाता हूँ। तो गाइज अगर मैं आप लोगों को एकदम अच्छे से समझाऊं तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हम लोग ये पोलो कार है, यहाँ पे और यहाँ पे इसके जो मिरर्स हैं। तो गाइज अगर आप ये एरिया देखोगे तो ये एरिया कम्प्लीटली हम लोग को विजिबल है क्योंकि यहाँ पे हम लोग का रियर व्यू मिरर भी है और यहाँ पे हम लोग का मिरर, इतना जो है मिरर हमारा देख लेता है। पर यहाँ पे अगर कोई कार रहेगी या यहाँ पे अगर कोई कार रहेगी तो हम लोग देख नहीं पाएंगे क्योंकि ये ब्लाइंड स्पॉट में आ जाता है। ये जो एरिया है और ये वाला जो एरिया है ये ब्लाइंड स्पॉट है और ये वाला एरिया जो है ये मिरर से कवर हो सकता है आराम से। अगर आप इसमें देखोगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ जाएगा ये ब्लाइंड स्पॉट एरिया है, यहाँ पे जो है ब्लाइंड स्पॉट है। अगर यहाँ पे कोई कार रहेगी तो हम लोग को जो है ये मिरर से दिखेगा नहीं। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो कार यूजर्स है उसको पता ही होगा कि ब्लाइंड स्पॉट एक्चुअली क्या होता है। तो एक ईजी रिप्रेजेंटेशन के लिए मैंने आपको ये करके दिखा दिया, ये एरिया जो है आप मिरर्स में देख सकते हो बट ये जो एरिया वो नहीं देख सकते हो। तो उसको देखने के लिए हम लोग क्या यूज करने वाले आज मैं आपको बताऊंगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ब्लाइंड स्पॉट मिरर जो यूज करते हैं, इसमें क्या होता है ये वाला एरिया भी आपको दिखेगा प्लस थोड़ा ये साइड का एरिया भी आपको दिख जाएगा। टी शर्ट आप मिरर होता है जो कि यूज किया जाता है, पर ये तो मैं नहीं यूज करता हूँ क्योंकि एकदम छोटा सा एरिया रहता है और उसमें आपको सारा चीज देखना पड़ता है। तो इसके वजह से जो है मैं इसको ज्यादा प्रेफर नहीं करता हूँ। कल क्या होता है गाइस बड़ी बड़ी जो कार्स रहती है उसके अंदर ही यहाँ पे मिरर के अंदर ही एक लाइट दिया रहता है, ब्लाइंड स्पॉट का लाइट दिया रहता है। अभी आपको चाहिए तो मैं एक वीडियो में दिखा दूंगा आपको। कि आपने देखा वो वीडियो ब्लाइंड स्पॉट का, तो उसमें जो लाइट जो है ब्लिंक हो जाती है तो जिससे वो आदमी को पता चलता है कि ब्लाइंड स्पॉट पे कोई आदमी है, तो हम लोग को ज्यादा लेफ्ट राइट नहीं लेना है। क्या होता है गाइस कोई ब्लाइंड स्पॉट में हमारे रहते हैं और हम लोग डायरेक्टली राइट मार देते हैं तो उसका एक्सीडेंट होने का काफी ज्यादा चांसेस हो जाता है। और गाइस मेन तो प्रॉब्लम तब होता है जब हमारी जो है विजिबिलिटी कम हो जाती है। अभी आप देख सकते हो अभी बारिश का टाइम हो गया, रेनी सीजन है, काफी ज्यादा फॉगी सीजन है, तो बराबर देख नहीं पाते, विजिबिलिटी काफी कम हो जाती है गाड़ी की, तो तभी जो है एक्सीडेंट्स होने के ज्यादा चांसेस और ब्लाइंड स्पॉट में एक्सीडेंट्स काफी ज्यादा हो जाते हैं। तो गाइस आज जो है हम लोग ये चीज इंस्टॉल करने वाले हमारी कार में, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लिखा हुआ है अल्ट्रासोनिक ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन सिस्टम। और जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये कम्प्लीटली जो है सिस्टम हम लोग को मिल जाता है, ये कम्प्लीट सिस्टम जो हम लोग आज कार में इंस्टॉल करने वाले। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो जैसे हम लोग ये बॉक्स को बोलते हैं तो सबसे पहले आपको जो एक मैनुअल मिल जाता है, तो ये मैनुअल में सारा चीज लिखा हुआ है कि कैसे आपको लगाना है, कैसे मतलब वो पीछे का जो सेंसर हम लोग लगाते हैं उसको कैलिब्रेट कैसे करना है, सारा चीज़ इसमें लिखा हुआ है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पे हम लोग को दो पार्किंग अल्ट्रासोनिक सेंसर्स मिल जाते हैं, ये इसका कम्प्लीटली ब्रेन है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो एक होल सॉ मिल जाता है हम लोग को जो कि ड्रिल करने में काम में आता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो पार्किंग सेंसर है इसको ड्रिल करने में ये काम में आएगा। उसके बाद कम्प्लीटली हम लोग को वायरिंग हार्नेस मिल जाता है, ये इसका जो है कम्प्लीट वायरिंग हार्नेस है जो हमारी गाड़ी के ऊपर लगने वाला है। जो है वायरिंग डायग्राम मैं आपको बता दूंगा, इतना सारा पूरा बंडल देख के आपको घबराने की जरूरत नहीं, सारा चीज मैं आपको दिखा दूंगा। ये जो है गाइस ये हमारा सेंसर है, ये वाला जो सेंसर है ये एक लेफ्ट पिलर में लगाऊंगा, एक राइट पिलर में लगाऊंगा। ये साइड पे कोई ब्लाइंड स्पॉट पे आता है तो ये जो है ऑन हो जाएगा और अगर हम लोग टर्न ले रहे तो जो है ब्लिंक करता रहेगा और हम लोग को
साउंड ट्रिगर करे। और साउंड ट्रिगर करने के लिए आप देख सकते हो ये वाला एक हम लोग को बजर मिल जाता है जो पीछे मैं इंस्टॉल कर दूंगा, जैसे अगर हम लोग टर्न लेते रहेंगे तो ये साउंड ट्रिगर कर देगा कि टर्न अभी मत लीजिए, एक बार ब्लाइंड स्पॉट जो है चेक कर लीजिए। वायरिंग हार्नेस के साथ हम लोग को फ्यूज भी मिलने वाला है। ये बार जो है थोड़ा सा अलग तरीके का वायरिंग करने वाले गाइस, क्योंकि ये पोलो है, पोलो में इतना ज्यादा कटिंग और ये सब नहीं करने वाले, ये कंप्लीट एक जर्मन कार है तो इसको ज्यादा हम लोग बिगाड़ने नहीं वाले, तो अच्छी तरीके से जो इसका वायरिंग करेंगे, थोड़े नए टेक्निक्स का यूज करेंगे हम लोग, जैसे कि हम लोग फ्यूज टैप्स का यूज करेंगे, फ्यूज लगाएंगे, एकदम प्रॉपर जो है इसका वायरिंग होगा। और गाइस जो मैंने सेंसर के बारे में आपको बताया था वो यहाँ पे लगा दूंगा मैं, यहाँ पे ये ऐसा लगेगा और यहाँ पे जो है इसमें येलो लाइट आता है, ये जो है आपको बता देगा कि ये ब्लाइंड स्पॉट पे है, तो ये एक पिलर पे लगने वाला है, ये एक पिलर पे लगने वाला है। और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये इसका कंप्लीट वायरिंग है और एक वायरिंग हम लोग को मिल जाता है। उसके बाद जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ तो जिप टाइज है कुछ, और हमारा जो बॉक्स है वो रखने के लिए हम लोग को एक डबल टेप भी मिल जाता है। तो गाइस पहले मैं ये सारे वायरिंग कर देता हूँ, सबसे पहले जो है गाइस ये हम लोग यहाँ पे इंस्टॉल कर देते हैं, बिकॉज लास्ट में हम लोग जो है इसका जो पीछे का सेंसर है लास्ट में लगाएंगे, क्योंकि इसको कैलिब्रेशन की जरूरत है। जब तक कंप्लीट चीजें हम लोग जो है सेट कर देते हैं अच्छी तरीके से, इसको मतलब फिट कर देते हैं और ऑन कर देते हैं, उसके बाद ही हम लोग कैलिब्रेशन कर पाएंगे। तो गाइस इसमें जो है हैचबैक का कैलिब्रेशन आपको अलग मिलेगा, फिर जो एसयूवीज रहेगी उसमें थोड़ा सा कैलिब्रेशन अलग रहेगा, हर कार का जो है डिफरेंट रहेगा क्योंकि हर कार की हाइट अलग रहती है, ब्लाइंड स्पॉट्स थोड़े डिफरेंट रहते हैं, इतना ज्यादा फर्क नहीं रहेगा बट थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। गाइस यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने जो है वायर कम्प्लीटली टक इन किया, क्योंकि वायर जो है बाहर दिखना नहीं चाहिए, गंदा लगता है वो, तो ये वाला जो पैनल है ये मैंने निकाल दिया। ये वाला पैनल आप देख सकते हो डायरेक्टली ऐसे ही निकल जाता है क्योंकि इसमें क्लिपिंग्स दिए हुए। इसका वायर जो है इसके अंदर से लेंगे हम लोग, यहाँ से ये फ्लोर बोर्ड से पूरा वायर आने वाला है और हम लोग का जो है वायर पीछे जाने वाला है। पीछे जो है हम लोग को डबल ट्रिप का 3M मिल जाता है, इसके ऊपर मैं स्टिक कर देता हूँ, सेम चीज वहीं पे भी कर देता हूँ हम लोग, और यहाँ पे भी लगा देता हूँ, यहाँ पे भी लगा देता हूँ। आपके प्रेफरेंस के ऊपर है कि आपको कहाँ लगाना है, आपको कहाँ विजिबल है, आपको चाहिए तो गाइस यहाँ पे भी लगा सकते हो, बट मैंने सोचा कि पिलर पे लगाऊंगा तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ब्लाइंड स्पॉट जो है वो पिलर पे या फिर मिरर पे ज्यादा बेटर और अच्छे दिखते हैं। ये पिलर पे भी जो है गाइस सेम चीज है, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये जो है निकल जाता है। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने इंस्टॉल कर दिया है, उसके बाद अगर आप नीचे देखोगे तो ये जो एक सॉकेट कनेक्टर है, इसको मैं पहले रिमूव करके आपको दिखा देता हूँ। ये ऐसे रिमूव करोगे तो आपके पास काफी लंबी लाइन जो है वो बच जाती है। तो गाइस इतने वायर्स को हम लोग को क्या करना है, ये पीछे तक लेकर जाना है, तो सबको जो है छुपा छुपा के, यहाँ पे आप देख सकते हो ये भी चीज मैंने खोल दी है, छुपा छुपा के पीछे तक हम लोग लेकर जाएंगे, क्योंकि पीछे ही हम लोग का जो है सारा काम होने वाला है। हर पैनल को मैंने खींच खींच के निकाल के उसके अंदर से वायर डाला है, जो पैनल है उसको हम लोग को फिर से वापस से लगा देना है, फिर से जो लॉक है उसके वैसे ही वैसे लगा देना है हम लोग को। कहूंगा कि इतना ज्यादा हार्ड भी नहीं था, ये नॉर्मल से आपको पैनल्स निकालने, और सारे पैनल्स कोई भी स्क्रू से लगाए हुए नहीं, सारे लॉक सिस्टम है, जो कि मुझे ये कार के काफी ज्यादा पसंद है, किधर भी मेरे को स्क्रूज की जरूरत नहीं पड़ी, वो एक अच्छा लगा मुझे। तो पीछे अगर आप देखोगे तो यहाँ से एक वायर आई हुई है और यहाँ से एक वायर आई हुई, तो दो वायर मैंने यहाँ यहाँ से निकाली हुई है, और पीछे ही ये जो कंट्रोलर जो है हम लोग यहाँ पे इंस्टॉल करने वाले, इसके अंदर बॉक्स इंस्टॉल करने वाले, सारा वायरिंग यहाँ पे ही करने वाले। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सारा चीज मैंने यहाँ पे कर दिया है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इतने सारे वायर्स बचे, एक ब्लैक वायर है, ग्रीन वायर है, एक रेड वायर है, एक येलो वायर है, और एक यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक व्हाइट वायर है। उसके बाद यहाँ पे जो वायर है ये सारे जो है सॉकेट्स पे लगने वाले। तो अभी ये पांच वायरों का काम क्या है, ये वायर्स कहाँ लगने वाले, उसका वायरिंग डायग्राम मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये इसका वायरिंग डायग्राम है, वायरिंग डायग्राम ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन सिस्टम। रेड कलर का जो वायर है वो पॉजिटिव पे लगने वाले, मतलब हम लोग जो पावर फ्यूज बॉक्स से लेने वाले, तो रेड वाला वायर जो है हम लोग ने पीछे लगाया वो हम लोग को आगे लेके आना पड़ेगा, तो वो आगे तो हम लोग लेके आ जाएंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। पॉजिटिव कर देंगे, ब्लैक जो है नेगेटिव करेंगे, कॉमन ग्राउंड वहां पे रखा हुआ है तो कॉमन ग्राउंड में हम लोग जो है ब्लैक कनेक्ट कर लेंगे। व्हाइट कलर का जो वायर है वो राइट टर्न सिग्नल पे इंस्टॉल करना है, क्योंकि जैसे ही हम लोग राइट टर्न सिग्नल देंगे और राइट टर्न सिग्नल चालू हो जाएगा, और तो ये वाला जो चीज है ये अगर कोई ब्लाइंड स्पॉट पे रहेगा तो बजर बीप करेगा, तो नॉर्मली ऐसे बजर बीप नहीं करेगा, अगर हम लोग राइट टर्न सिग्नल देंगे तो ही बजर इसका जो है बीप करेगा, वरना मुंबई जैसी जगह पे अगर ब्लाइंड स्पॉट मैंने लगा दिया और बजर हमेशा बीप करता रहा, क्योंकि ट्रैफिक इतनी होती है कि हर कोई ब्लाइंड स्पॉट पे कभी ना कभी रहता ही है, तो ये मेरा लाइट जो है मेरे को ऐसा लग रहा है कि कभी ऑफ नहीं होने वाला अगर ट्रैफिक में मैं चलाऊं, तो बजर तभी बीप करेगा जब आप टर्न सिग्नल देते हो। तो व्हाइट जो हमारा राइट टर्न सिग्नल पे लगने वाला है, येलो कलर का जो वायर है वो लेफ्ट टर्न सिग्नल पे लगने वाला है, ग्रीन वाला जो वायर है वो रिवर्सिंग सिग्नल पे लगने वाला है। तो इसका वायरिंग डायग्राम अगर आपको स्क्रीनशॉट मारना है तो स्क्रीनशॉट मार सकते हो, या फिर वायर्स पे भी इसके जो नंबर है वो लिखे हुए हैं। तो गाइस जैसे मैंने आपको बताया था, तो वायर्स पे भी इन लोग ने नेमिंग दिया है, तो इतना ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वायर से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा वायर कहाँ कनेक्ट करना है। और गाइस अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ओल्ड स्कूल टाइप का चीज हम लोग ने कुछ यहाँ पे बनाया हुआ है, की मदद से हम लोग ढूंढने वाले कि टर्न सिग्नल्स के वायर कौन से, रिवर्सिंग का वायर कौन सा, सारा चीज जो है इससे हम लोग को पता लगने वाला है। यहाँ पे ये कंप्लीट जो सॉकेट है, ये साइड का पूरा टेल लाइट का इसका जो सॉकेट है ये, तो मैं इसको पहले रिमूव कर देता हूँ,
तो गाइस इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट साइड का टर्न सिग्नल जो है वो ऑन कर देंगे। तो लेफ्ट साइड का जो टर्न सिग्नल है वो ऑन है। ठीक है, वो नहीं दिखाएगा क्योंकि हम लोग ने जो है सॉकेट निकाल कर रखा हुआ है। कॉमन ग्राउंड हम लोग को मिल गया है और ये वाला वायर जो हमारा ग्राउंड है ये ग्राउंड में लगाएंगे और एक एक वायर जो है सारा एक एक सॉकेट में डाल के देखेंगे, तभी हम लोग को मालूम पड़ेगा कि वायर हमारा कौन सा है। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो टर्न सिग्नल जो है चालू हो चुका है और एक जो है हम लोग ने इसके तीसरे सॉकेट में लगा दिया पॉजिटिव और नेगेटिव मैंने कॉमन ग्राउंड में पकड़ कर रखा हुआ है। तो इसका जो है गाइस ये जो ऑरेंज वायर है ये हमारा जो है टर्न सिग्नल का वायर है। तो गाइस ऐसे आपको पता लगाना है कि वायर कौन सा है। ये साइड के सॉकेट में भी आपको वही करना है कि कैसे आपको वायर पता लगाना है, पर इन केस अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, ये जो ग्रीन कलर का जो वायर है ग्रीन और ब्लैक स्ट्रिप्स ये जो है इसका राइट साइड के टर्न सिग्नल का वायर है। और रिवर्सिंग वायर भी आपको ऐसे ही ढूंढना है, क्या करना है गाड़ी को रिवर्स में डालना है और एक वायर यहाँ पे टैप करना है, एक वायर यहाँ पे लगाना है। तो आपको जो है जैसे ये बल्ब चालू हो जाएगा तो आपको समझ जाएगा कि हाँ ये रिवर्सिंग का वायर है। इसलिए हम लोग जो है मल्टीमीटर का भी यूज कर सकते हैं, बट ये जो चीज है गाइस ये काफी ज्यादा इजी है और जैसे ब्लिंक करेगा तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये टर्न सिग्नल का ही वायर है। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो वायर जो है अभी हम लोग टैप कर रहे हैं, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो टर्न सिग्नल के वायर जो है मैंने इसमें जो है थोड़ा सा ऐसा कट किया और हम लोग ने यहाँ पे लगा दिया। अभी ये जो ग्रीन का रिवर्सिंग जो वायर है ये यहाँ पे हम लोग इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद इसका कॉमन ग्राउंड जो है वो लगाएंगे, फिर जो है पावर सिग्नल का केबल लगाएंगे। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हम लोग ने एक ग्राउंड का जो ब्लैक वायर है ये भी लगा दिया, एक लेफ्ट साइड के टर्न इंडिकेटर्स के वायर को अटैच कर दिया, एक रिवर्सिंग लाइट को अटैच कर दिया और ये रेड कलर का वायर जो ये आगे जाता है उसको अभी हम लोग वायरिंग करना बाकी है, बाकी पीछे का वायरिंग जो है सारा कुछ हो चुका। तो गाइस अगर आपको फूलों का फ्यूज बॉक्स देखना है तो इसके नीचे आपको जो है फ्यूज बॉक्स देखना पड़ेगा, इसके इधर एक ढक्कन मिल जाता है आपको, ये ढक्कन मैंने निकाल दिया, उसके बाद यहाँ पे आपको कंप्लीट फ्यूज बॉक्स एक्सेस हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो ये चीज का हम लोग यूज करने वाले, इसको फ्यूज टैब्स बोल सकते हो आप। ये जो है एक्चुअली गाइस मैंने एक बार अमेजोन से मंगाया था, इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फ्यूज बॉक्स में से जो फ्यूज हम लोग निकालेंगे वो यहाँ लगाएंगे और हम लोग को जो फ्यूज चाहिए वो हम लोग यहाँ लगाएंगे। तो ये जो है ऐसे कुछ काम करता है, इसमें से जो है 22 नंबर का फ्यूज हम लोग निकालने वाले। तो ये जो मैंने हाथ लगाया ये है 22 नंबर, इसके ऊपर जो है नंबर लिखे हुए आपको दिख रहे नहीं, तो 5 नंबर का जो फ्यूज है ये मैं रिमूव कर देता हूँ। इसको आपको वायरिंग करना है। 5 एम का जो फ्यूज है पहला फ्यूज हम लोग ने लगाया वो फ्यूज बॉक्स है और बाद में 10 एम का जो लगा है ये जो अल्ट्रासोनिक डिटेक्शन सिस्टम है उसका फ्यूज है। यहाँ पे आप देख सकते हो फ्यूज बॉक्स में मैंने लगा दिया ऐसे इसको डायरेक्टली, ये डायरेक्टली फिट हो चुका है और ये वाला जो वायर है गाइस ये रेड वायर इसके अंदर जो टैप कर दिया है। और गाइस उसके बाद जो हम लोग को ये रिजल्ट मिला है, जैसे हम लोग इसका इग्निशन जो ऑन करते, अभी मैं एक चाबी डाल रहा हूँ इग्निशन ऑन करता हूँ, तो आप देख सकते हो सेंसर का जो लाइट है वो आ चुका है। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो अभी जो हम लोग सेंसर का कैलिब्रेशन चालू कर रहे हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे एक सेंसर रखा हुआ है, इसको हम लोग यहाँ प्लेस करके देखेंगे और अंदर आप देख सकते हो अंदर जो है लाइट जल रही है उसको हम लोग चेक करेंगे। पर देखोगे तो कोई व्हीकल पास होएगा तो वो लाइट जो है ब्लिंक करेगा, तो आप देख सकते हो लाइट ब्लिंक किया क्योंकि एक व्हीकल पास हुआ और व्हीकल्स पास हुए। और गाइज ये ब्लाइंड स्पॉट जो है यहाँ पे सबसे बढ़िया मेरे को लग रहा है क्योंकि यहाँ पे अच्छी तरीके से डिटेक्ट कर रहा है और ये व्हीकल का ब्लाइंड स्पॉट भी ये साइड पे, इसके थोड़ा सा ये ऑफ साइड ये साइड पे हम लोग लगाने वाले और यहाँ पे भी सेम चीज हम लोग करेंगे, यहाँ से लेके थोड़ा सा ऑफ साइड में लगाने वाले। पर आप सेंसर देखोगे तो ये कर्व में जो है बना हुआ है, इसके कर्व में बना होने का ये रीजन है कि गाइज ये हमेशा साइड्स में ही लगना चाहिए। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कर्व है तो उसमें जो ये प्रॉपरली जो है फिट हो जाएगा कर्व में, तो ये बहुत ही अच्छी बात इन लोगों ने पहले से डिजाइन करके रखी है कि कर्व में हम लोग बिठाने वाले थे तो कर्व में ही लगने वाला है क्योंकि सीधा तो लगने नहीं वाला क्योंकि ब्लाइंड स्पॉट है। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने एक अभी क्या किया हुआ है, यहाँ पे हम लोग ने जो है पेपर टेप लगा दिया है, इसका सबसे पहले मैंने एक्सिस ले लिया फिर यहाँ पे जो है एक एक्सिस ड्रॉ कर दिया। एक्सिस का जो ए टू बी का लेंथ है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 9.5 सेंटीमीटर्स या ऑलमोस्ट इतने करीब है, 9.4 बोल सकते हो आप। तो यहाँ पे हम लोग जो है ड्रिल करने वाले, फिर यहाँ पे भी प्रॉपर हम लोग ने टेपिंग कर लिया और आप देख सकते हो ये लेंथ जो है 9.4 सेंटीमीटर का लेंथ है इसके। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखोगे तो होल्स हम लोग को मिला है, ये पहले से प्रोवाइडेड किया गया था, कुछ दिखता है ये जो है यहाँ पे ये जो सेंटर लाइन हम लोग देखेंगे इसका यहाँ पर और इसके मदद से जो है होल करने वाले। इसके लिए हम लोग ने ये हैंड ड्रिल लिया, ये जो है पोर्टेबल ड्रिल है, ये मेरे पास बहुत टाइम से पड़ा था तो ये पोर्टेबल ड्रिल अभी इसमें हम लोग ड्रिल कर लेंगे, जो है प्रॉपर सेंटर देख लूंगा मैं, यहाँ पे आप देख सकते हो प्रॉपर सेंटर है और ड्रिल चालू करूंगा धीरे 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 हम लोग ड्रिल करेंगे, ज़्यादा फास्ट नहीं जाना है आपको। सेंसर निकालने के लिए ये वाला जो ट्रिम पार्ट है ये हम लोग को ओपन करना पड़ेगा पूरा, तो ये निकालना ही पड़ेगा हम लोगों को।
एक साइड का जो हम लोग ने पार्किंग सेंसर है वो लगा दिया है। एक्चुअली ये थोड़ा सा और दिख रहा है क्योंकि वो रेड कलर का नहीं है और बाकी सारे जो रेड कलर के, बाद में हम लोग जो सेंसर्स को है वो कलर कर देंगे, उसमें कोई बात नहीं। और आप देख सकते हो ऐसा कोई टेक्निक का मैं यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ से वायर डाल रहा हूँ और ये जगह है यहाँ से निकाल रहा हूँ और इसके ऊपर अभी मैं जो है वायरिंग स्टिक करूंगा और वापस से अंदर लेकर जाऊंगा। तो ऐसे कुछ टेक्निक का यूज़ करो। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों सेंसर्स हम लोग ने लगा दिए, यहाँ पे एक सेंसर है और यहाँ पे एक सेंसर है। जब भी हम लोग ड्राइव करेंगे तब ये डिटेक्ट करेगा कि ये साइड में कोई है कि नहीं, जो कि हमारा ब्लाइंड स्पॉट होगा। तो गाइस अभी हम लोग इसको टेस्टिंग के लिए लेकर जाते हैं। पीछे से एक कार आ रही है और हम लोग जो है एकदम क्लोज ले लेते हैं कार के, वो जैसे ही पास होगा हमारे पास से तो ब्लिंक कर रहा है और ये पास हो गया। फिर अभी आप देख सकते हो टैक्सी जा रही है, ये ऑन हो गया, ये ऑफ हो गया। तो गाइज अभी जो है मैंने इसका जो है की निकाल दिया है, की में लगाता हूँ और एक बार एनिमेशन आप देख लीजिए इसका कैसा आता है। तो जैसे ही मैं इस पे की लगाता हूँ तो सबसे पहली बार ब्लिंक करता है ये और यहाँ पे ब्लिंक करता है। फिर जैसे ही मैं रिमूव करता हूँ की तो आप देख सकते हो ये ऐसे बंद होता है, वॉल से काफी क्लोज है, इसकी वजह से ये जो सेंसर है ये चालू हो चुका है। जी यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट पे मेरे कोई कार है बट कार नहीं, यहाँ पे एक वॉल है, वॉल के वजह से ये जो सेंसर लाइट अप हो रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो हम लोग खाली स्पेस पे, तो यहाँ पे सेंसर लाइट अप नहीं हो रहा है। बजर भी लगा दिया, तो ये एक ऐसा एक छोटा सा बजर जो है मार देता है, हल्का सा एक जो बजर है वो मार देता है जो की काफी सही है। और जैसे मैं रिवर्स लगाता हूँ तो ये जो ये ऑफ हो जाता है और हमारा जो मेन पार्किंग सेंसर है वो ऑन हो जाता है। तो गाइस अगर आप लोगों को ये प्रोडक्ट बाय करना रहेगा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे आप जाके चेकआउट कर सकते हो या आप कोई भी कार में लगा सकते हो। बस कैलिब्रेशन का थोड़ा ध्यान रखना, सबसे पहले कैलिब्रेशन कर देना फिर अपना जो सेंसर है वो लगा देना, क्योंकि सेंसर का जो प्लेसिंग है वो एकदम प्रॉपर होना चाहिए। तो गाइस आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा तो गिव इट अ थम्स अप। सो थैंक फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस, होप यू गाइस सी माय नेक्स्ट वीडियो एंड डू वॉच इट आउट टिल देन, स्टे ट्यून्ड एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। टिल देन वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।